बेलगहा जनपद क्षेत्र में इन दिनों लगातार विकास कार्यों की बरसात हो रही है। जल व्यवस्था, नाली निर्माण, मंच हो अथवा सीसी रोड, सभी प्रकार के कार्य क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्र के जनपद सदस्य द्वारा स्वीकृत कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज बेलगहना के अर्पा तट सौंदर्यकरण, मंच निर्माण, सीसी रोड निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। बताया जा रहा है कि तट पर स्थित शिव मंदिर बहुत पुराने समय से विद्यमान है, जिसकी महिमा लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ नवरात्रि में दुर्गा स्थापना के साथ साथ भगवत कथा का भी आयोजन कुछ वर्षों से होता आ रहा है। यहाँ 12 फीट का शिवलिंग निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है। स्थल में सौंदर्यकरण का बीड़ा उठाए क्षेत्र के जनपद सदस्य प्रभात कुमार पांडे ने आज इस स्थान पर जनपद मत से विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जहां ग्राम के अनेक प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। पंचायत कोटा के द्वारा अर्पा सौंदर्यकरण के नाम से सीसी रोड और मंच और मरम्मत के लिए यहां पे पैसा आवंटित किया गया है। इस तारतम्य यहां पे कार्य हो रहा है। यहां पे लोगों का लगातार नदी में आना जाना रहता है, तो इससे सुंदरता बढ़ेगी। और यहां पे एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर है, तो धार्मिकता के साथ सामाजिकता का भी कार्य यहां पे किया जा रहा है। ये शिव मंदिर जो है हमारे बचपन के समय निर्माण हुआ था, और तब से लेकर आज तक लगातार इस शिव मंदिर की महिमा लगातार बढ़ते जा रही है। और विगत 4-5 सालों से यहाँ दुर्गा जी की प्रतिमा भी बैठाई जा रही है, और आज ये जो यहाँ कार्य हो रहा है, ये अर्पा सौंदर्यीकरण उद्गम अर्पा सौंदर्यीकरण के नाम से हो रहा है। और साथ ही पीछे जो अर्पेश्वर महादेव की स्थापना हो रही, वो भी सब इसी में शामिल है। चूँकि बेलगहना शुरू से ही एक धार्मिक स्थान रहा है, यहाँ सिद्ध बाबा जी भी हैं, उसी हिसाब से धार्मिक नगरी के नाम से ये अर्पा घाट पे जो बना हुआ है मंदिर बहुत ही पुराना है और उसका अपना महत्व भी है। मैं नरदेश्वर पांडे, भाजपा कार्यकर्ता, बेलगहना। बेलगहना से राम प्रताप सिंह, सीजी विजन।